क्या तुमने कभी सोचा है, तुम जो कुछ भी कर रही हो उससे अपने अच्छे भाग्य को दूर तो नहीं पका रही हो? क्या पता तुम्हारी नियति में सुख ही सुख हो, जिसे तुम अपने दुष्ट कर्मों द्वारा दुख में परिवर्तित कर रही हो। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। इस कथा से सीख लेकर इस स्त्री ने अपने बुरे मार्ग का त्याग किया और पति प्रेम ने उसे भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया। वहीं दोनों आज भक्ति का मार्ग चुनते हुए धन धान्य पुत्र पुत्री के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माते, कदाचित इस महिला की भांति धरती लोक पर रहने वाला हर मनुष्य यही विचार करता है कि अच्छे कार्य करने वालों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है माते। और देव ऋषि, उसका एकमात्र उत्तर है कि उनके साथ बुरा नहीं होता, अपितु बहुत बुरा होने से बचता है। और इसका स्वाति से बड़ा और कोई उदाहरण नहीं है। वहीं जहां आज स्वाति के अजन्मे शिशु की मृत्यु लिखित थी, उसने अपने अच्छे कर्मों द्वारा नियति के लिखित को परिवर्तित कर दिया और आज पूरा परिवार स्वाति के शिशु के आने के स्वागत में पूरे हर्ष और उल्लास से जुटा है। किंतु माते, ये नई समस्या कहीं पूरे हर्ष और उल्लास को सदैव के लिए समाप्त न कर ले। हमारे कहने का तात्पर्य समीक्षा, कहीं समीक्षा देवेश के साथ मिलकर इंद्रेश और पुत्री स्वाति को सदैव के लिए एक दूसरे से अलग न कर ले और इंद्रेश को ज्ञात भी न हो। पति पत्नी के रिश्ते की डोर एक विश्वास पर ही टिकी होती है। पिछली बार इनका विश्वास टूटा था, इसी कारण कोई और अर्थात निधि ने इनके जीवन में आकर उथल पुथल मचा दी थी। और फिर स्वाति ने अपना विश्वास इंद्रेश पर से छोड़ा था तो देवेश ने आकर इनका जीवन कष्टों से भर दिया था। देव ऋषि, इस बार इनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, ना स्वाति का इंद्रेश पर से और ना ही इंद्रेश का स्वाति पर से, अन्यथा आप लोग मुझे भी कुछ सिखाइए ना, मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ आंटी। अरे तुम मेहमान थोड़ी, हमारी बिटिया रानी हो। अरे सैमी जी, यहाँ कोई सैंडविच वैंडविच नहीं बनता है, यहाँ तो आज कढ़ी बन रही है। हम सबकी पसंद की पकौड़े वाली कढ़ी बना रहे हैं। और स्वाति रोटी बना रही है और पत्ते गोभी की सूखी सब्जी और मीठे में खीर बनाई है। हाँ तो बताओ, ये सब काम कर लोगी आपका? हाँ क्यों नहीं, बना लूंगी, आंटी सिखाएंगी मुझे, है ना आंटी? हाँ हाँ जरूर। वैसे मुझे खीर बहुत पसंद है। हाँ खीर तो यहाँ भी सबको बहुत पसंद है और खास कर इंद्रेश भैया को। आज अम्मा इंद्रेश भैया के लिए खीर बना रही है और अपने पोते के लिए, वो भी एकदम स्पेशल वाली। कुंती आंटी, अब तो आपको मुझे पक्का से सिखाना होगा कि खीर कैसे बनाते हैं। तुम किसके लिए बनाओगी खीर? अरे लवली बहू, उसका भी तो ब्याह होगा, तो अपने पति के लिए बनाएगी और किसके लिए? हाँ वो हस्बैंड के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है टाइप। इसलिए। पर सैमी जी, अगर आपका पति आप ही की तरह अंग्रेज हुआ, यानी डाइट फूड खाने वाला हुआ तो? क्यों, अंग्रेज क्यों होगा? तो फिर कैसा पति चाहिए आपको? मेरा होने वाला हस्बैंड मेरे डैड की तरह पर्यायवादिक होगा। मतलब पारिवारिक। या राइट, आई मीन फैमिली मैन होगा। अरे सैमी जी, ये चूल्हा चौका ना बहुत ही झंझटी काम है, बहुत मुश्किल, आपसे नहीं होगा ये सब। लवली जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सैमी से नहीं हो पाएगा। वैसे भी ये सब कुछ सीखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
खामखा आपने अपना हाथ जला लिया। भाभी इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, जो चाहती हैं जरूर हासिल कर लेंगे, है ना सैमी जी? ये बात तो तुमने एकदम सही कही है स्वाति, कि मैं जो चाहूंगी वो पाकर रहूंगी, पर इस वक्त मेरी चाहत है इंद्रेश। वाह क्या खुशबू आ रही है खाने की, ये क्या है? हाँ, कड़ी पकोड़े मेरा फेवरेट है जी। लीजिए गर्मा गर्म रोटियां भी आ गई। अच्छा भाई डीसी साहब ये लीजिए, ओम सहना भवतु, शुरू करिए डीसी साहब। हाँ जी बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया। इसे बाती बहुरिया एक तुम भी ना सबके साथ बैठ के खाना खा लो, आ जाओ। जी बिटिया। अरे ठीक है ना, बैठ गई तो बैठ गई, स्वाति कहीं और बैठ जाएगी। ए बेटा तू कहीं और कुछ बैठ जा। जी बाबू जी। आप यहाँ बैठ जाइए, हम स्टूल ले लेते हैं। नहीं नहीं आप सबके साथ बैठकर खाना खाइए, अब माँ जी के साथ बाद में खा लेंगे। ठीक है तुम यहाँ बैठो, ऐसी हालत में तुम्हारा टाइम पर खाना खाना जरूरी है। नहीं इंद्रेश हमारा खाना खाने का सच में मन नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, तुम बैठो। बैठो। हे इंद्रेश। अरे बैठो बैठो तुम, ऐसी हालत में जो है खाना बनाते समय ना खाने खुशबू नाक में चल जाती है तो खाने का मन नहीं करता। अपने अम्मा से बोल दो का कुंडी देवी। हाँ इंद्रेश तुमने खीर तो ली नहीं। Let me serve you. खीर तो हमारी फेवरेट है, सुबह शाम दिन रात आधी रात कभी भी खा सकते। मेरी भी। और तुम्हें पता है कल मैं आंटी से खीर बनाना सीखने भी वाली हूँ। क्या बात है। धन्यवाद। इन दोनों को जितना समय एक साथ मिलेगा आग उतनी ही भड़केगी, और फिर ये लड़की इंद्रेश को पाने के लिए कुछ भी करेगी। अब इसके इस जुनून का अच्छी तरह इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। माते इन पुष्पों का चरित्र भी कितना अद्भुत होता है ना, परिस्थिति चाहे जो भी हो ये चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं। ठीक इन्हीं की भांति है हमारी पुत्री स्वाति, परिस्थिति चाहे जो भी हो पुत्री स्वाति वातावरण को सुगंधित करती ही रहती है। सत्य कहा देव ऋषि, उसका मूल स्वभाव ही दैवीय गुण है, इसी कारण उस पर परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता। उसकी भक्ति उसकी आस्था कभी कम नहीं होती। सत्य कहा आपने माते, किंतु माते पुत्री स्वाति के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है कि उसके आसपास के मनुष्य बार बार अपना हृदय परिवर्तित कर देते हैं? माते क्या ये उचित है? माते माते क्यों मनुष्य मानवता को छोड़कर गिरगिट की भांति अपना रंग परिवर्तित करता रहता है? क्या सोच रहे हैं आप देवी पॉली? देवी संतोषी के भक्तों की भक्ति देवराज इंद्र, अब हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजना ही होगा, क्योंकि देवी संतोषी से हमारे भक्तों की बढ़ती गिनती सहन नहीं हो रही है, इसीलिए तो वो हमारे भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है, और हम उनके भक्तों को आकर्षित कर ही नहीं पाते। देवी संतोषी के भक्तों में उनकी भक्ति एक बार घुस जाती है तो फिर बुराई उनको आकर्षित कर ही नहीं पाती। क्या वो कभी नहीं बदलेंगे? देव ऋषि
परिवर्तन तो प्रकृति का सिद्धांत है, परंतु यदि परिवर्तन के साथ यदि मनुष्य स्वयं बदल जाए तो उसका मूल स्वभाव वही होगा। अर्थात माते? देव ऋषि, यदि किसी निर्धन के पास बहुत सारा धन आ जाए और धन प्राप्ति के पश्चात वो यदि दूसरे निर्धन मनुष्य का निरादर करने लगे तब उसे क्या कहेंगे? या किसी मनुष्य की पत्नी ने उसकी उन्नति और समृद्धि के लिए सदैव प्रार्थना की हो, व्रत रखे हो, पूजा पाठ की हो और यदि वो मनुष्य समृद्धि पाले, उसका रहन सहन उच्च स्तर का हो जाए, उसके पश्चात वो उस पत्नी का ही त्याग कर दे, क्योंकि उन्नति और रहन सहन में परिवर्तन के कारण वही पत्नी उसे निम्न स्तर की लगने लगती है, जिसके पुण्य कर्मों के कारण वो आज ये रहन सहन भोग रहा है, वो उसे भूल जाता है। अर्थात माते, मनुष्य की वस्तु स्थिति, उसके आसपास का वातावरण परिवर्तित होते ही वो अपना स्वभाव बदल देता है। देव ऋषि, यही सत्य है, परंतु क्या ये परिवर्तन सही है? क्या ये परिवर्तन ही उनके मूल स्वभाव को बाहर लेकर आता है? मनुष्यों का मूल स्वभाव है परिवर्तन। वो कभी एक परिस्थिति में सुखी नहीं रहते हैं। यदि उनके पास शांति है, वैभव नहीं, तो वो वैभव की आकांक्षा करते हैं। यदि धन है तो प्रेम की, यदि पुत्री है तो पुत्र की। उनको हमेशा वही चाहिए जो उनके पास नहीं है। आपको मनुष्य के इस मूल भाव का लाभ उठाना चाहिए देवी पौलिनी। अर्थात माते, एक मनुष्य की सुचारिता का ज्ञान उसके परिस्थिति के अच्छे या बुरे होने पर निर्भर होता है। सही कहा आपने देव ऋषि, जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में होता है तब उसका स्वभाव कुछ और होता है, परंतु जब परिस्थिति उसके अनुकूल होती है तभी उसके वास्तविक चरित्र का पता लगता है। परंतु सदाचारी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते, जैसे कि स्वाति। नारायण नारायण, समझ गए माते, हम समझ गए कि जो मनुष्य विपरीत परिस्थिति में कुछ और होता है वही देवी पौलमी के प्रभाव में आकर अंततः अपना चरित्र परिवर्तित कर ही देता है। देवराजेंद्र, आपने हमें बहुत ही सुलभ उपाय बताया है देवी संतोषी के भक्तों को परिवर्तित करने का। अब हम उन्हें वो सुख देंगे जिसकी छोटी सी चिंगारी कहीं ना कहीं उनके मन में दबी हुई है। अब हम उन्हें बुराई से आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि सुख से आकर्षित करेंगे। अब हम देवी संतोषी के भक्तों को परिवर्तित करने के बजाय उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन लाएंगे। नव और कुश बड़े ज्ञानी और पराक्रमी बालक थे। एक बार प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनका घोड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्विघ्न जाता रहा, परंतु जब वो महर्षि के आश्रम के पास पहुंचा तो उस घोड़े की सुंदरता देखकर नव कुश ने उसे पकड़ लिया। मैं तो इंद्रेश को इतना मिस कर रही हूँ। इंद्रेश रूम में क्या कर रहा होगा? जब यह बात प्रभु श्री राम को पता चली कि उनका घोड़ा पकड़ा गया तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, परंतु लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब श्री राम स्वयं वहां आए तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि तुम किसके संतान हो। उन्होंने माता सीता का नाम लिया। ये सुनकर श्री राम दंग रहे। उन्होंने उन बालकों से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। लव कुश बहुत खुश हुए और उन्होंने श्री राम को गले से लगा लिया। सुन रहे हो ना तुम, आज तुम्हारे पापा ने तुम्हें रामायण सुनाई है।
अब ये सारा ज्ञान याद रखना और लव कुश की तरह बहादुर बनना। जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करहे सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मतलब जिन पर प्रभु राम की कृपा होती है उन्हें सांसारिक दुख छू भी नहीं सकता। परमात्मा की कृपा जिसको मिल जाए उस पर तो खुद ब खुद सबकी कृपा होने लगती है। जिसके अंदर कपट, पाखंड और माया नहीं होती उनके हृदय में रघुपति बसते हैं, यानी प्रभु की कृपा भी उन्हीं पर होती है। हमारा अचानक से ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। रुको, हम अभी रसोई से जाकर कुछ लेकर आते। स्वाति, अम्मा जानती थी ऐसा ही कुछ करोगी। आधी रात को उठोगी और कहोगी कुछ खाना, इसलिए खीर रख दी थी उन्होंने। आओ इधर। मेरे हाथों से ठंडी ठंडी खीर का लुत्फ उठाइए। बड़ी घोड़ी है तो अपने हाथों से नहीं खा सकती। मिडिल क्लास लड़कियां भी ना अपनी पतियों को फंसाने की सारी ट्रिक्स जानती हैं। ऐसे इंद्रेश एक खीर तो डबल मीठी हो गई है। काय? तुम्हारे हाथों से खाकर। इसका मतलब अगर हम तुमको करेले एक खीर खिलाएंगे तो वो भी डबल मीठी हो जाएगी। इंद्रेश तुम भी ना। कहाँ जा रही बिटिया? कहाँ? वो अंकल मैं कमरे में ही जा रही थी। तुम आओ जरा हमारे साथ आओ। नहीं नहीं अंकल, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने ही जा रही हूँ। नींद नहीं आएगी तुमको, आओ हमारे साथ आओ। आओ सुनने वाला कोई नहीं। अब बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मन में कुछ नहीं चल रहा अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना। एक्चुअली ये न्यू हाउस है बस इसीलिए। नींद नहीं आ रही थी तो इंद्रेश के कमरे के बाहर क्यों खड़ी थी? देखो कुछ तो है तुम्हारे मन में जो तुम बता नहीं रहे, नहीं तो आधी रात को किसी के कमरे के बाहर यूं ताक झांक क्यों करती? देखो बिटिया, जब हमने तुमको कहा था कि इंद्रेश को बनारस लेके जाओ और रात तक वापस ना आने देना तो तुमने बिना कोई सवाल किए हमारा वो काम किया था। तुम जानती हो ये सब हमने काहे किया था? क्योंकि हमको दिख गया था, हमको दिख गया था कि तुम इंद्रेश वक्त पसंद करती हो। पुजरनिया हमको बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए हमने इंद्रेश को तुम्हारे साथ रखा और तुमको यहां लाने का मकसद भी यही है। लेकिन ये ताक झांक करने से इंद्रेश हाथ में नहीं आएगा अंकल। आप अरे हम कह रहे हैं इंद्रेश को पाना है तो कोई ऐसा उपाय लगाओ कि दोनों अलग हो जाए। मगर कैसे? अरे वो तो तुमको सोचना है ना, तुम सोचो। विदेश से पढ़ के आई हो, कुछ करो डिंग डांग। हाँ लेकिन काम जितना जल्दी हो सके
तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाबूजी, ये बच्चा आने के पहले ही अगर ये दोनों अलग नहीं हुए तो भगवान भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। कर पाओगे?